नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। कुठनी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के चौथे दिन भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के नामांकन सभा में भाजपा के दिग्गज नेता हुए शामिल। और मुजफ्फरपुर न्यायालय ने 2012 में हुए अधिवक्ता हत्याकांड फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपी को सुनाई सजा। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कुठनी विधानसभा उपचुनाव नामांकन के चौथे दिन भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिले की कुठनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कुठनी के पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने मंगलवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री राम सूरत राय, सांसद अजय निषाद सहित कई कार्यकर्ता नामांकन स्थल पर मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा किया, कहा, मैं अपनी जीत के लिए आश्वस्त हूं। 2015 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास कर कुठनी विधानसभा का टिकट दिया और कुठनी की जनता साथ देते हुए मुझे कुठनी से विधायक बनाया। मैंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में कई सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया, कुठनी के विकास कई कामों को किया है। आपको बता दें कि केदार प्रसाद गुप्ता 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। उससे पहले केदार गुप्ता मुखिया थे, मुखिया रहते ही उन्होंने चुनाव जीता था। केदार गुप्ता ने जदयू विधायक मनोज कुशवाहा को परास्त किया था। उस समय मनोज कुशवाहा बिहार सरकार के मंत्री थे। पिछले विधानसभा चुनाव में केदार गुप्ता मात्र 800 वोटों से राजद के अनिल सहनी से हार गए। चुनाव परिणाम घोषित करने में प्रशासन को काफी समय लगा। हार जीत के बीच बहुत कम अंतर को लेकर दोनों उम्मीदवार डटे हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों धुर विरोधी में से जनता किसे जीत दिलाती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और कुर्नी की महान जनता ने उस पर मुहर लगाया। उसके बाद जो है, मैं कुर्नी का एकदम समझिए कि गली गली में सड़क बनवाने का काम किया। वर्षों से जो बाढ़ जो रहा था पुल पुलिया, उसको बनवाने का काम किया। प्रत्येक पंचायत में 10-15 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। दलित टोला में कभी बिजली नहीं जला था, वहाँ हम लोगों ने बिजली लगवाने का काम किया। और उसी विकास को देख करके 2020 में भी जनता ने मुझे ही मैंडेट दिया था, लेकिन राजद वाले ने बेईमानी करके जीता हुआ सीट अपने पक्ष में कर लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता समझ गई है कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया है। इसलिए बढ़िया काम करने वाले को वहाँ जनता वोट देने के लिए तैयार है और मुझे जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। और 2015 से ज़्यादा मतों से इस बार मैं जीतूँ। भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के नामांकन सभा में भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कुठनी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर से मंगलवार को पर्दा हट गया है। जैसा कि उम्मीद थी कि भाजपा के टिकट पर पूर्व विधायक केदार गुप्ता चुनाव लड़ेंगे, वैसा ही हुआ। पूर्व विधायक केदार गुप्ता सैकड़ों समर्थकों के साथ समाहरणालय परिसर स्थित बने गन केंद्र पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद नामांकन समारोह में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पूर्व मंत्री जनक राम, सांसद अजय निषाद, वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, विधायक अरुण सिंह, विधायक अशोक सिंह और बेबी कुमारी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मंच से संबोधन करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधी और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ गए हैं, ऐसी सरकार से जनता को मुक्ति दिलाएं। कुठनी में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को जिताने की अपील की।
कार्यकर्ताओं ने खूब उत्साह भरा। अन्य नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री ने बिहार के जनादेश को धोखा देने का काम किया है। कुढ़नी की जनता से अपील है कि बिहार को जंगल राज में दोबारा जाने से बचाए। पीछे से भीड़ आई, उन्हीं को मुक्ति मिलेगा। भाजपा जो है बिल्कुल कुढ़नी में भारी बहुमत से जीत करके आ रही है। जनता कुढ़नी की जनता मन बना चुकी है। पहले वाले को भी देखा, मुझको भी देखा, मेरे बाद वाले को भी देखा, और तीनों को देख के जनता निर्णय कर चुकी है। भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है और पूरी तरह से यहाँ की जनता निर्णय ले चुकी है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और आतंक अपराध के पोषक को कतई नहीं जीतने देंगे। जंगल राज को जनता राज बताने वाले को जवाब देगा यहाँ की जनता। जो गुंडा राज में परिवर्तित किया गया है उसका भी जवाब मिलेगा। और अपराध भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कुढ़नी विधानसभा के मतदाता एक संदेश देगा, विचारधारा की ये जीत होगी। तो सर, ये आरजेडी सीट से खाली हुआ था, तो कुछ वोटों से हार गए थे पिछली बार, इस बार क्या विकास फैक्टर या केंद्र का फैक्टर या राज्य का फैक्टर क्या? देखिए, सबका साथ सबका विकास का फैक्टर होगा। एक तरफ भ्रष्टाचार और अपराध का फैक्टर है, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध है, दूसरे तरफ विकास का फैक्टर रहेगा। वो चाहा बहुत दूर है, कुढ़नी बहुत नजदीक है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे, निश्चित रूप से तय हो चुका है और कुढ़नी की जनता मन बना चुकी है। और मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि जो सीट परंपरागत आरजेडी का था, आरजेडी ने अपना हार मान करके अपने भाई को दिया है, उस भाई को भी पटकनी देने का काम हम लोग करेंगे। पार्टी का घोषणा तो बहुत पहले हो चुका था, आप लोगों को मैं तो बता दिया था। निश्चित रूप से नॉमिनेशन में भी दो दिन बाकी है, बहुत पहले हो गया। चलिए, सिकंदरपुर में आयोजित राम कथा की चौथे दिन कथावाचक की वाणी सुनकर श्रोता अलौकिक ध्यान में खो गए। सिकंदरपुर स्थित विंध्यवासिनी नगर में हो रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन साध्वी सृष्टि लता रामायणी ने कथा की प्रस्तुति की। इस दौरान विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण भैया पुष्प दल और बेल पत्र लेने के लिए फुलवाड़ी में गए। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। जब श्री राम जी पुष्प दल ले रहे थे, उसी समय चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता माता वहां आई। जानकी माता अपनी 8 सखियों सहित फुलवाड़ी में आकर माँ गौरी का पूजन की। जब प्रभु श्री राम जानकी माता को देखे तो देखते ही रह गए। ठीक यही स्थिति श्री किशोरी जी की भी हुई। महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने कहा कि कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा जंबो जेट उतार ले, लेकिन जीत महागठबंधन की होगी। भाजपा नेताओं के जवाब में कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी चाहे नेताओं का जंबो जेट उतार ले, जीत तो महागठबंधन की ही होगी। मनोज कुशवाहा ने कहा, कुढ़नी से ही भाजपा मुक्त देश बनाने की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा, आज देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन बीजेपी को इसकी कोई चिंता नहीं। मनोज कुशवाहा का मानना है कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण है उससे उनकी जीत पक्की है। कितने जंबो जेट उतारे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कुढ़नी पूरा तैयार है। अब महागठबंधन का जीत कोई रोक नहीं सकता है। महागठबंधन का जो समीकरण है और जो जनता में वाल है, 1 लाख से ऊपर वोट वहाँ आना चाहिए महागठबंधन का। चाहे जितना भी जंबो जेट लगा लें, जितना भी मीटिंग कर लें, जितना भी दौरा कर लें, जो मुख्य मुद्दा है देश का और बिहार का, ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, इससे सभी लोग त्रस्त हैं। नौजवान सड़क पर है, पढ़ा लिखा लोग रोड पर घूम रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है,
और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सिर्फ झूठ बोलकर ही देश में राज कर रहे हैं और वही चाहते हैं कि बिहार में भी हमारा राज चला, ऐसा कदापि नहीं होगा। भाजपा मुक्त कुढ़नी की बात कही जा रही है तो उसको आज मन से कहा गया कि मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने चूंकि दिन में देखे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप जनता से जाके पूछिए कुढ़नी के कि भाजपा मुक्त कुढ़नी अभियान शुरू करेगा और बिहार का देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। शेखर सानी भी कल नॉमिनेशन करेंगे और VIP भी प्रत्याशी कल उतारेगी, तो इसके विषय में हमको कुछ नहीं कहना है, उसे कोई फर्क उड़क नहीं पड़ने वाला। एलिस कॉलेज के स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग एकेडमी द्वारा बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुभारंभ की गई। लंगट सिंह कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय ने किया। उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, हम किसी क्षेत्र में भी तैयारी कर रहे हो अगर संपूर्ण समर्पण के साथ करे तो सफलता निश्चित है। मौके पर उपस्थित प्रोफेसर टीके डे ने छात्रों को अनुशासित तरीके से बहुमुखी विकास का मंत्र दिया। प्रोफेसर राजीव कुमार विभाध्यक्ष दर्शन शास्त्र ने सभी खिलाड़ियों को बताया कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जिला बॉक्सिंग के सचिव रणवीर कुमार अमर ने अपने खेल जीवन के अनुभव को साझा किया तथा सभी को खेल के प्रति प्रेरित किया। आज लंगट सिंह कॉलेज में रमन जी के सहयोग से बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया। ये इंडोर स्टेडियम बनके अधूरा पड़ा हुआ था, UGC के द्वारा 10 से उसको अभी जीर्णोद्धार कराया गया है। अब इसमें खेल का, बैडमिंटन का, कैरम बोर्ड का, टेबल टेनिस का, शतरंज का, सब की व्यवस्था की जाएगी। इस कैंपस में महेंद्र बाबू PTI कोच हैं, इनकी भी जो अंतिम इच्छा थी जो हम और महेंद्र बाबू पूरा नहीं कर पाए, इन बच्चे के रूप में पूरा करना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा करें और खेल में भी अच्छा करें, देश को ओलंपिक तक ले जाएं, हमारी शुभकामना है। और विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य से भी हम चाहते हैं सहयोग मिले, जो ये बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता को भी जिस ढंग से क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता, जिस प्रकार से फुटबॉल को, वॉलीबॉल, उसी ढंग से बच्चे लोगों को एथलीट के साथ साथ बॉक्सिंग में भी आगे बढ़ाया जाए। हम सब मिलकर नया बिहार, विकसित बिहार बनाए और हम सब स्वस्थ रहें और दूसरे को भी मुस्कुराने का मौका दें। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशन आर ओपन।
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहाँ ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए अति पिछड़ा आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के नामांकन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में अति पिछड़ा राग छेड़ दिया है। पूर्व विधायक केदार गुप्ता के नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के द्वारा बनाए गए अति पिछड़ा आयोग पर सवाल उठाया है और साथ हिंदू अति पिछड़ा और मुस्लिम अति पिछड़ा लोगों को हकमारी की बात कही है। संजय जायसवाल ने बताया कि जिन जातियों को अति पिछड़ा में शामिल किया गया है वो भारतीय नहीं है, वो बाहरी मुस्लिम है। ऐसे में हिंदू अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर उन्होंने फिर से सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार शराबबंदी का नाटक कर रही है और ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनकी शराब पीती तस्वीर वायरल हो रही है। देखिए, हम महज कुछ वोटों से हारे थे। यह चुनाव जो है, हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पे, केंद्र सरकार के कार्यों का एक तरफ आकलन रख रहे हैं और दूसरे तरफ महागठबंधन के कार्यों का आकलन रख रहे हैं। जनता खुद तय करे कि इस बिहार के लिए जितना नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है वह ज़्यादा है, या जो ये लगातार धोखा देने का काम करते रहते हैं उनके बारे में जनता को निर्णय करना है। पर मैं जनता से उम्मीद करता हूँ कि केदार गुप्ता जी ने लगातार सेवा की है। दूसरे तरफ जो दूसरे उम्मीदवार हैं, वह चावल घोटाले से लेकर के कोई ऐसा घोटाला नहीं है जहाँ पर वो शामिल नहीं रहे हों, और उनके समय में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। एक गरीब अति पिछड़े का सीट छीन करके, पुनः मैं स्वच्छ शब्दों में कह रहा हूँ, यह पूरा कोई समझौता नहीं है। सिंडिकेट के द्वारा एक अच्छी राशि राजद को दे दी गई और उसके एवज में यह सीट खरीदा गया है और एक और आदमी को भी राशि दी गई है कि यह कैसे भाजपा के वोटों का बंटवारा हो उस हिसाब से तुम अपने कैंडिडेट का चुनाव करो। यह चुनाव सिंडिकेट बनाम आम जनता है और कुर्दी की जनता को यह फैसला करना। दूसरे व्यक्ति की चर्चा करें, क्या वो भाजपा प्रभावित? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन
मुजफ्फरपुर का हर व्यक्ति जानता है कि कौन सिंडिकेट चलाता है, किस सिंडिकेट के कौन कौन गैंग मेंबर हैं, किस तरह से एक साजिश के तहत जो लोग कल तक भाषण देते थे मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा, फिर जब सिंडिकेट जो आज्ञा देगी उस हिसाब से काम करेंगे। सिंडिकेट ने ही यह तय किया कि कैसे एक दल को एक राशि पहुंचा करके अपने सिंडिकेट उम्मीदवार को जदयू से लड़ाया जाए, क्योंकि यह सीट जदयू की कभी नहीं थी और यह पूरा सिंडिकेट के द्वारा मैनेज्ड है। जनता को फैसला करना है कि उन्हें सिंडिकेट का जनप्रतिनिधि चाहिए या जनता का जनप्रतिनिधि। यह सरकार है तेजस्वी यादव और नीतीश जी की सरकार, फॉर्मेट बदल गया, इसलिए आपसे कहने आया हूं इस फॉर्मेट में समझ जाइए कि बिहार की जनता को गोपालगंज ने संदेश दिया है और जो भाई यानी समीकरण है, वाह वाह वाह, हम तो सब जगह जाते, हम तो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पहली बार बिहार में आए यानी मंत्री बने। 2012 में हथौड़ी थाना क्षेत्र में हुई अधिवक्ता हत्याकांड मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। हथौड़ी थाना की परमजीवर गांव में वर्ष 2012 में घर से खींच अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे की गोली मारकर हत्या के मामले में पिता और 2 पुत्रों समेत 3 आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए जाने वाले में महेश राय और उसके पुत्र अखिलेश राय एवं बालेश्वर राय शामिल है। मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा ने तीनों को दोषी ठहराया। सजा की बिंदु पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी, इसके बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। महेश राय और अखिलेश राय को जमानत के बंद पत्र को खंडित कर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। वहीं फैसला सुनाने के समय बालेश्वर राय कोर्ट में उपस्थित नहीं था, उसकी ओर से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, इसमें बीमार होने के कारण कोर्ट में उपस्थित होने से असमर्थता जताई थी। कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन 24 नवंबर को सजा सुनाए जाने के दिन उसे कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। उस दिन अगर वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी जमानत का बंद पत्र खंडित कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियोजन पत्र की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील पांडे ने कोर्ट के 6 गवाहों को पेश किया। इस कार्य में वरीय अधिवक्ता शरद सिन्हा ने उनका सहयोग किया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पिछले 6 साल से सेशन ट्रायल चल रहा था। काफी जहोजहद के बाद कोर्ट के समक्ष गवाहों को पेश किया जा सका। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि इस मामले में आरोपित बनाए गए मीनापुर थाना की छपड़ा गांव की बिगन राय की बहुत पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अन्य सभी आरोपित जमानत पर है। इस मामले में अन्य आरोपितों के विरुद्ध अलग से सुनवाई हो रही है। 10 साल के बाद ही सही परिवादी को न्याय मिला है। वह कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हथौड़ी थाना से संबंधित मामला है, ताराजीवर की घटना है। ये अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे की हत्या 10 वर्ष पहले हुई थी, 2012 की घटना है। और इसमें माननीय सत्र न्यायाधीश 13 के यहाँ सेशन ट्रायल चला है, जिस सेशन ट्रायल में 3 अभियुक्त महेश राय, बालेश्वर राय और अखिलेश्वर राय, ये इनको दोषी पाया गया है 302 रेड विथ 120 पाया गया है। और 24 तारीख की तिथि निश्चित हुई है, 24 तारीख को सजा के बिंदु पे सुनवाई होगी। हम लोगों की मांग है और मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ को कानूनी बिंदु रूप से कि आजीवन कारावास से लेके फांसी की सजा तक होने का प्रोविजन इसमें है और इसकी प्रबल संभावना है। क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम था, ये अपने घर में थे, लकड़ी के बोटा को लेके कुछ विवाद आपस में था, इसी बीच सभी अभियुक्त घर से घींच के घर के अंदर जाके इनकी भूतल जो है सो गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये बहुत गंभीर घटना रही है। कितने पर आरोप लगाया?
ये आरोप तो 7 व्यक्ति पर है जिनके अलग अलग जो है सो ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें एक बिगन राय हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अन्य अभियुक्त के विरुद्ध अलग सेशन ट्रायल चल रही है। दो अभियुक्त में क्या रिलेशन है? बाप बेटा का रिलेशनशिप है, जो अभियुक्त हैं उनके बाप बेटा का रिलेशनशिप है। डॉक्टर ए के दास द्वारा 3 दिवसीय बैपिकॉन 2022 सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार से जुड़े देश में नाम कमा चुके कई दिग्गज डॉक्टर शामिल होंगे। बैपिकॉन 2022 का 32वां वार्षिक अधिवेशन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी एपीआई मुजफ्फरपुर की शाखा कर रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमलेश तिवारी ने बताया, इस बार के आयोजन में पीजी छात्रों को ध्यान में रखते हुए व्याख्यानों एवं परिचर्चाओं के विषय का चुनाव किया गया है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व और भारत में हो रहे नए शोध पर चर्चा की जाएगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि हम लोग एक मुजफ्फरपुर में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैपिकॉन 22, ये बैपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर का कॉन्फ्रेंस है जो मुजफ्फरपुर में हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस हर साल होता है अलग अलग शहरों में, इस साल इसका टर्म मुजफ्फरपुर में हम लोग कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे साइंटिफिक प्रोग्राम मेन थीम होता है साइंटिफिक प्रोग्राम का, जिसमें करीब करीब मेडिसिन के सभी विषयों पर देश के विभिन्न शहरों से लोग आकर अपना अपना व्याख्यान देंगे और अपने भाव को इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। दूसरा जो है सो कल्चरल प्रोग्राम है, खाना पीना जो है सो है ही है। तो जितनी तरह की कॉन्फ्रेंस में प्रक्रियाएं होती हैं वो हम लोग करने की पूरी कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को हम लोग इस बार ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तरह तरह के इनाम रखे हैं, तरह तरह का वर्कशॉप रखे हैं, क्विज रखे हैं, कंपटीशन रखे हैं, कि नए नए लड़के जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया जाए कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कैसे एक दूसरे से सहयोग करके हम आगे काम को बढ़ावें। इसमें करीब हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, हैदराबाद हुआ, अहमदाबाद हुआ, बनारस हुआ, लखनऊ हुआ, जहां से सोचिए करीब करीब आ रहे हैं। किन किन बीमारियों को लेकर? नहीं, बीमारी तो मेडिसिन में जितनी तरह की बीमारी है सब पर चर्चा होती है, इन्फेक्शन से लेकर हार्ट की बीमारी, चेस्ट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, लगभग सभी बीमारियों को हम लोग कवर किए हुए हैं, जितना संभव हो सकता है 2 दिन में कवर किए हुए हैं। वही आयोजन सचिव डॉक्टर ए के दास ने बताया, पहला सत्र 18 नवंबर को शुरू होगा, जिसमें डायबिटीज केयर वर्कशॉप, इंसुलिन वर्कशॉप, ECG क्रिटिकल केयर वर्कशॉप, फ्री पेपर प्रेजेंटेशन क्विज प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 19 नवंबर को चिकित्सकों द्वारा हाइपरटेंशन थायराइड सिंपोजियम अतिथियों का व्याख्यान API मास्टर क्लास एक्यूट MI सिंपोजियम न्यूरोलॉजी क्रिटिकल केयर डॉक्टर बीबी ठाकुर और एशियन कार्डियोलॉजी और कई सारे बीमारियों पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं 20 नवंबर को डायबिटीज मेटाबॉलिज्म इन्फेक्शियसन डिजीज गैस्ट्रोलॉजी और नई बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, हैदराबाद समेत बिहार के सभी जिलों से बड़े चिकित्सक उपस्थित होंगे। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एक 20,000 फिजिशियनों का एक बड़ा संगठन है, जो पूरे भारतवर्ष में जिन लोगों को MD मेडिसिन की डिग्री है उसके ऊपर की डिग्री है वो इस एसोसिएशन का सदस्य बनते हैं। इसमें करीब करीब सभी राज्यों में इसका एक ब्रांच है और हर ब्रांच जो है अपना वार्षिक अधिवेशन करता है। बिहार में यह अधिवेशन हर जिलों में हर साल कोई एक जिले में हर साल होता है और उसी क्रम में भारतवर्ष में इस बार बिहार में इस बार मुजफ्फरपुर को ये अधिवेशन आयोजन करने का मौका मिला है। पूर्व में भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता सामान्यतः हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट राष्ट्र के डॉक्टर कमलेश तिवारी करते थे, लेकिन इस बार उनके आशीर्वाद से नई पीढ़ी को मौका मिला है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार इसके अध्यक्ष हैं और मैं इसका सचिव हूँ, डॉक्टर अमित कुमार दास।
पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स जो फिजिशियन सेगमेंट में हैं वो यहाँ आ रहे हैं और वो अपना अपना व्याख्यान देंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, ताकि बिहार में रहने वाले चिकित्सकों को इससे पूर्णतः लाभ हो। इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड सभी बीमारियाँ, जैसे कि हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, किडनी की बीमारी, नर्व्स और न्यूरोलॉजी की बीमारी, इन्फेक्शन डिजीज जैसे कि मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगी, इन सब सभी बीमारी इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं इंटरनल मेडिसिन के, सब स्पेशलिटी हैं, सारे स्पेशलिटी पे। चित्रगुप्त एसोसिएशन में आयोजित भागवत कथा में चौथे दिन पंडित अमित कृष्ण शास्त्री के प्रवचनों से भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। सेवा समन्वय समिति एवं चित्रगुप्त एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन मंगलवार को चित्रकूट धाम से आए पंडित अमित कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचनों से श्रोताओं का मन मंत्रमुग्ध किया। पंडित अमित कृष्ण शास्त्री ने भक्तों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, अपना रहन सहन, खान पियन किस तरह करे, सभी चीज हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। इन्हें पढ़कर और बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम मनुष्य का कर्तव्य निभा सकते हैं। गौरतलब है कि 12 नवंबर से 18 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। भागवत कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और पाप का नाश होता है। इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ लगी रही, महिलाएं एवं पुरुष सभी बैठकर कथा सुना। पहले तो आपको और आपके जो दर्शक देख रहे हैं इस न्यूज को, सबको जय श्री आराम, जय श्री राधे। हम जो है चित्रकूट, जहाँ पर भगवान श्री राम 12 वर्ष आकर के और उन्होंने वनवास का एक विशिष्ट समय बिताया, उसी चित्रकूट धाम से हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इस चित्रगुप्त एसोसिएशन में 12 नवंबर से 18 नवंबर तक यह श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन चलेगा और 19 नवंबर को हवन एवं प्रसाद वितरण इत्यादि भी होगा। आप ये जो है जो आप जो करा रहे हैं जी, वो कितने वर्षों से आप करा रहे हैं? जी हम तो विगत लगभग 12 से 14 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा, शिव महापुराण इत्यादि अन्य जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनके प्रचार प्रसार में और मानवता की सेवा में, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से ही हम लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और हम जन्म लेकर के तो मनुष्य बन गए, लेकिन मनुष्य होने पर भी हम कैसे आचरण करें, क्या हम खान पान करें, क्या अपनी रहनी बनाएं, कैसे कर्म करें, इन सब की जानकारी प्राप्त करने पर हम असलियत में मनुष्य बनेंगे। और इन सब की जानकारी हमारे ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री रामचरितमानस है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, इत्यादि ग्रंथों में है। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये भागवत कथा करने से इसमें आपको रुचि कैसे आई इसमें? श्रीमद् भागवत महापुराण का बचपन से ही हमको कथा सुनाया गया। हमारे भाकपा माले के सदस्यों ने सहारा इंडिया के जोनल ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान एवं स्थानीय सहारा इंडिया के प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले भाकपा माले कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया ब्रांच के बाहर प्रदर्शन किया और सहारा इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इस अवसर पर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि भाकपा माले समेत कई पार्टी की तरफ से लगातार चरणबद्ध आंदोलन की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान नहीं हो रही है। सभी पार्टी अपने तरीके से आंदोलन कर रही है। इसी के तहत भाकपा माले पार्टी अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। जब तक जमाकर्ताओं की राशि की भुगतान नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। इसके अलावा डीएमसी हम लोगों की मांग है कि सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाए। संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले सहारा के जोनल कार्यालय पर आज पूरे देश में 15 तारीख को सहारा से भुगतान की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसी के तहत हम लोगों ने सहारा के जोनल ऑफिस मुजफ्फरपुर पर
पूरे बिहार के कोने कोने से आया है और यहाँ आने के बाद शासन प्रशासन से हमने बहुत गुहार लगाया कि जोनल चुप के बुला करके लाया जाए, हम लोग उनसे अपना दुखड़ा रखे, भुगतान कब शुरू होगा सहारा का, लेकिन कोई शासन प्रशासन हम लोगों की बात को नहीं सुन रहा है और न कोई जो है कि साथ दे रहा है, न कोई नेता सुन रहे हैं, न सरकार सुन रही है, मीडिया भी हम लोगों के उतना साथ नहीं दे रही है। हम लोग बहुत आहत हैं, हम लोग कहाँ जाएं, जमाकर्ता कर्जकर्ता में आए दिन मारपीट हो रहा है, जमाकर्ता आत्महत्या कर रहा है, कर्जकर्ता आत्महत्या कर रहा है और ये सहारा इंडिया का सुब्रत राय पूरे सिस्टम को खरीद कर रख लिया है और हम लोगों का पैसा भुगतान नहीं कर रहा है। किसी के बेटी की शादी टूट जा रही है तो किसी के इलाज नहीं हो रहे हैं, तो किसी को पैसे नहीं मिल रहा है, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार से जुटे हैं, आने वाले दिनों में अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग पूरे देश में चक्का जाम। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये सहारा इंडिया के भुगतान को लेके है और ये आंदोलन सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है। हजारों कार्यकर्ता आज रोड पर आ चुके हैं, कितने कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। जमाकर्ता का कहना है कि आपने जमा करवाया है, आपको पैसा देना होगा, आप बताएं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि कार्यकर्ता ने क्या गलती की, सरकार ने इसको लाइसेंस दिया और कोऑपरेटिव सहारा की जितनी भी कंपनियां कोऑपरेटिव में है जो वर्तमान में आज भी संचालित है और उन कंपनियों पर कोर्ट में कोई भी मामला लंबित नहीं है। मैं एक फ्रेंचाइजी मैनेजर हुआ करता था और मैंने भुगतान के मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन किया और मैं अपने पद से मैंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया और सहारा इंडिया का प्रबंधन गलत ढंग से एक मनमानी एक अवैध तरीके से संस्था से मुझे निष्कासित कर दिया गया। तो मैं तब तक इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा जब तक। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।